आज हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण के बारे में। ये अपना आर एस मेन्स का भी जो मेन्स का सिलेबस है उसमें अलग से मेंशन किया हुआ था। इसमें हर एक एग्ज़ाम में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये हिस्ट्री ऑप्शनल में भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले पुनर्जागरण। इसको क्या शादी करते क्या है, फिर से जागना, और इसकी परिभाषा क्या है, अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसका सबसे सरल परिभाषा जो सर्वविदित है कि ल्यूकस के अनुसार, ल्यूकस ने कहा था कि 14वीं से जो 17वीं शताब्दी में यूरोप में जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जैसे साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, भूगोल, उसमें क्या क्या चेंज हुए, उसको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। तो इसके अनुसार क्या है, ल्यूकस के अनुसार चौदहवीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तनों को पुनर्जागरण कहा जाता है। और एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी एक परिभाषा दी, उन्होंने क्या पुनर्जागरण का अर्थ है कि विद्या का पुनर्जन्म, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान तथा यूरोपीय भाषाओं का विकास। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने क्या कहा, विद्या का पुनर्जन्म। विद्या का पुनर्जन्म जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान तथा यूरोपीय भाषाओं का विकास। इस प्रकार ये थी परिभाषा तथा इसका अर्थ। अभी हम चर्चा करेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। हम चर्चा करेंगे पुनर्जागरण की विशेषताएं। नंबर एक है स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन। क्या है पुनर्जागरण के कारण क्या चेंज आया, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन, कि लोग अब जो मान्यताएं थी, जो धारणाएं थी, जो अपनी परंपराएं थी, उनको तर्क की कसौटी के आधार पर कसना शुरू किया। जो तार्किक रूप से सही थी उसी मान्यताओं को अपनाते थे तथा जो अंधविश्वास थे उनसे अपनी दूरियां बनाते गए। इस प्रकार ये जो स्वतंत्र चिंतन है उसका प्रोत्साहन हुआ। इसमें क्या है, तो परंपराएं, जो मान्यताएं हैं, अंधविश्वासों का एक
बार फिर से देखिए, स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन। इसमें क्या है, स्वतंत्र चिंतन जनता थी वो अपनी बुद्धि तथा अपने तर्क का यूज करते थे, जो गलत परंपराएं थी, जो रूढ़िवादी धारणाएं थी, जो मान्यताएं थी, उनको तर्क की कसौटी के आधार पर सही स्वीकार करना चालू किया तथा अंधविश्वासों का विरोध किया। नंबर दो है मानववादी विचारधारा, मानवतावादी, मानवतावादी विचारधारा का विकास। इसमें क्या है, सबसे पहले मानवतावाद का अर्थ जानेंगे। मानवतावाद का अर्थ है जो मानव जीवन में उसमें रुचि लेना, उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना तथा सुखी तथा उन्नत बनाना। इसमें क्या था, मानवतावाद क्या है, मानवतावाद है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन में रुचि लेना, मानव जीवन की समस्याएं सुलझाना, मानव जीवन की समस्या समाधान, मानव जीवन उन्नतता सुखी बनाना। क्यों, उस समय क्या चल रहा था कि हम जो परलौकिक की दुनिया थी उसकी दुनिया में जी रहा था, इसके मुताबिक हम सांसारिकता में आए तथा जो मानव जीवन है, जो इस संसार में जो मानव जीवन हम जी रहे हैं उसको सुखी उन्नत बनाना तथा अपनी सारी जो समस्याएं थी उनको समाधान के मार्ग में उन्होंने आगे प्रशस्त हुए। नेक्स्ट था मानवतावाद का पिता, मानवतावाद का पिता पेट्रो को कहा जाता है, जिसने मानवतावाद की ये जो निम्न कसौटियाँ थी उन पे जो काम करना चालू किया वो था पेट्रोक। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विचारधारा का प्रोत्साहन। इसमें क्या है, जो स्वतंत्र चिंतन प्रोत्साहन हो गया, धार्मिक जो बंधन थे वो ढीले हो गए तथा आज के जीवन को सुखमय बनाने के जब उसकी चरण में हम आगे बढ़े तो वैज्ञानिक जो विचारधारा उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण था। और इसकी एक विशेषता है वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास। इसमें क्या है, नई नई खोजें हुई, तर्क तथा प्रयोग तर्क तथा प्रयोग की भावनाएं बढ़ी, किसी चीज को तर्क के आधार पर स्वीकार करते थे तथा तर्क के आधार पर उसको अस्वीकार करते थे, तो इस प्रकार वैज्ञानिक विचारधाराओं का विकास हुआ। नंबर दो है देसी भाषाओं का विकास, देसी भाषाओं का विकास। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा तो यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ, तो इसमें देसी भाषाओं में साहित्य लिखे गए तथा देसी भाषाओं में विकास हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यह पुनर्जागरण का काल था, ये पुनर्जागरण इसी को भी बोला गया है कि देसी भाषाओं का विकास हुआ, जिसके कारण जन सामान्य जागृत हुआ तथा उसमें स्वतंत्र चिंतन की भावनाएँ जागी, वैज्ञानिक विचारधारा तथा मानवतावादी विचारधारा आई। नेक्स्ट है इसका सौंदर्य की उपासना। इसमें जो साहित्य थे, जो कला थी, उसमें जो धर्म का प्रभाव है वो कम दिखने लग गया तथा जो प्रेम भाव है वो ज़्यादा दिखने लग गया। इसमें क्या है, जो साहित्य थी उस पर धार्मिक प्रभाव कम हुआ, धार्मिक प्रभाव कम हुआ तथा सौंदर्य प्रेम भाव प्रभाव बढ़ा। तो इस प्रकार ये थी पुनर्जागरण की विशेषताएँ। थोड़ा ये टॉपिक बोरिंग टाइप है, लेकिन हम आगे आगे जैसे चलेंगे इंटरेस्टेड होता चला जाएगा, लेकिन ये एक बार विशेषताएँ को मैं वापस बताऊंगा।
सबसे पहला है स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन, नंबर दो है जो मानवतावादी विचारधारा है उसका विकास, नंबर तीन है वैज्ञानिक विचारधाराओं का विकास, नंबर चार है देशी भाषाओं का विकास, नंबर पाँच है अंधविश्वास, अंधविश्वासों, धार्मिक आडंबरों, विरोध। उस समय लोगों ने जो अंधविश्वास थे, जो ऐसी ऐसी कुरीतियाँ थी, जो रूढ़िवादियाँ थी तथा जो धार्मिक आडंबर थे, उनका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वो तर्क के आधार पर कोई चीज़ को स्वीकार करते थे तथा रिजेक्ट करते थे। तो इस प्रकार उसमें तार्किक भावना का विकास हुआ, जिसके कारण उन्होंने जो धार्मिक आडंबर थे तथा अंधविश्वास थे उनका विरोध किया था।